हेलो एवरीवन, फिर से किसी उड़ते पक्षी ने बताया है, क्या संतान भाग्यशाली होती है? बिल्कुल होती है। तो आपने सीधा पंचम भाव में देखना है, अगर शुभ प्लैनेट बैठे हैं, और शुभ प्लैनेट कौन है? गुरुदेव। तो कभी भी फर्स्ट 5-9 में अगर प्लैनेट बैठे हैं तो पास्ट लाइफ के कर्म भी अच्छे हैं, तो हमारी संतान भी अच्छी है और संतान हमारी भाग्यशाली है। फिफ्थ हाउस किसका है? संतान का है। अगर संतान की कुंडली में 11वां भाव एक्टिव है, नक्षत्र नक्षत्राधिपति, तो 9th हाउस हो गया फादर का, 9th से सेकंड उसकी फैमिली, उसका पैसा, और सेकंड से सेकंड उसका इनकम हो गया। इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है और लोग पूछने आते हैं, क्योंकि मेन लोग पूछने कोई गंडमूल तो नहीं लगे, तो गंडमूल का भी एक मतलब होता है कि आपका पास्ट लाइफ का प्रारब्ध क्या है, तभी मूलों में बच्चा पैदा होता है। लेकिन इसका कोई मैंने इम्पैक्ट नहीं देखा कि ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो। आए हो नीचे मनुष्य योनि में, अगर आ चुके हो तो कर्म से नहीं बच सकते। आप कितने दरवाजे बंद कर लो, कितनी खिड़कियाँ बंद कर लो, कितने बड़े गुनाह क्यों ना कर लो बंद दरवाज़ों के अंदर, लेकिन अगर कोई है तो वो आपको देख रहा है, आपके अकाउंट लिख रहा है और आपको देना पड़ेगा वो वापस। कई बार अपनी कुंडली इतनी पावरफुल नहीं होता, लेकिन मैं देखती हूँ बच्चों के योग इतने होते हैं कि आफ्टर बर्थ, बेबी के बर्थ के बाद या बॉय के बर्थ के बाद सडन माँ बाप की तरक्की होती है। तो मैंने ये साक्षात देखा हुआ, क्योंकि मेरा क्या होता कि जस्ट मैं पढ़ के नहीं बताती, मेरे को पहले इसकी सत्यता जाननी होती है। तो मैं कभी बोलती हूँ कि अगर आपकी कुंडली बेकार है तो भी होप नहीं छोड़नी है, शादी है। 7th से 5th हाउस आपका इनकम प्रॉफिट, अगर आपका कर्मफल नहीं चल रहा तो आप अपनी पत्नी का कर्मफल ले सकते हो। अगर फिर भी माइनस माइनस हो गया, यानी पत्नी की कुंडली भी अच्छी नहीं है, तो फिर आपने अपने बच्चे की कुंडली में से ये देखना है कि इनकम प्रॉफिट कैसा रहेगा। अगर उसका 11th हाउस एक्टिव है तो देखना उसके जन्म के बाद ही आपका नसीब, बोलते हैं ना जाग गया है, वो वाला इनकम प्रॉफिट शुरू हो जाता है। तो आपने कितनी बार सुना होगा कि जब से मेरी बेटी हुई है, जब से मेरा बेटा हुआ तो मैंने बड़ी तरक्की करी है। तो ये बात बिल्कुल सच है। पहले तो 5th हाउस में गुरुदेव ही बताते हैं कि बच्चा भाग्यशाली है, फिर बच्चे के स्टार नक्षत्र किस नक्षत्र में है, क्या वो पिता की इनकम यानी 9th से 3rd हाउस एक्टिव है, तो देखना वो सारा कर्म फल पिता को मिलेगा। तो संतान भाग्यशाली होती है। और कई बार क्या होता है कि 5th हाउस हमारा, सोच लीजिए शनि है, राहु है, तो बच्चा बोलते हैं हमारे पे भारी है, तो मैम जब से बच्चा हुआ है मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, मैम जब से बच्चा हुआ है हमने इसके नाम पर जो फर्म रखी है वो लॉस में जा रही है, क्योंकि उसका कार्मिक अकाउंट है। हम लोग देखिए मीडिएटर हैं, सोल को लाने वाले, सबका कर्म अपना है, अच्छा तो बुरा तो आप लोग, लेकिन बच्चों को खूब पढ़ाइए। मैं तो पढ़ाई को ही लेकर फोकस रहती हूँ, क्योंकि आज हम अपने बच्चों को कुछ नहीं दे सकते, एटलीस्ट ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है, गुरुदेव कारक है इस चीज़ के। तो जिसके पास ज्ञान है उसके 11 भाव अपने आप ही एक्टिव हो जाते हैं। आप लोग पढ़िए मन लगाकर, और इसी तरह सच के साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा, अगली बार मिलते हैं अच्छी बात के साथ, सच के साथ। बाय।